हाँ बच्चों, क्या हाल है? देखो, ऐसा है, फोर सिंपल पेपर विथ सोल्यूशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हमने डाल रखे हैं। उन सैम्पल पेपर के पीडीएफ, क्वेश्चन पेपर, सोल्यूशन भी आपको लिंक में मिल जाएगा। बाकी दूसरी चीज़, उसको तो आप लोग दो तीन बार देखो, सॉल्व कर लो खुद पेन पेंसिल लेकर के। क्वेश्चन ज़्यादा चांस है उसी में से मिल जाएंगे। इवन मैंने जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन जो है, सेक्शन सी है, उसके भी 7-8 क्वेश्चन डाल दिए हैं। आप उसको करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, इवन किस पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, वो मैंने बता दिया है। तो दूसरी चीज़, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आने वाले टाइम में इसमें कुछ और वीडियो डाली जाएंगी। नेक्स्ट, इसके बाद कुछ बच्चे कह रहे थे लॉग में प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो बेटे लॉग का मैंने एक अच्छा खासा वीडियो बना करके डाल रखा है, उसको आप देख लीजिए और उसमें आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉर्ट आउट, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट और लास्ट पेपर करने जा रहे हैं, पेपर नंबर 5। देखो पेपर नंबर कौन सा है, ये जैसे पेपर नंबर 5 देखिए, इंस्ट्रक्शन वही है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर, फॉर रिएक्शन 2x गिव्स x2, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 3 टाइम्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इंक्रीज टू 27 टाइम। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 3 टाइम। अगर मान लो कोई रिएक्शन है, जैसे मान लो उन्होंने क्या दे रखा है, ये कि 2x गिव्स x2, देखो ये है 2x गिव्स x2, सपोज दैट इसका रेट ला क्या है, r = k, और फिर ये एक्स पावर कितना है, ये पी मान के चलिए, हमें रेट ला तो कोई गिवन नहीं है वैसे ये, ठीक है। तो वहाँ क्या कह रहे हैं, रेट बिकम थ्री टाइम्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज टू कितने टाइम, 27 टाइम। तो रेट बिकम थ्री टाइम, 3r = k व्हेन कंसंट्रेशन बिकम 27 टाइम्स, ठीक है। तो कुछ स्टेप से अच्छा क्वेश्चन है ये, पावर पी क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, डिवाइड करोगे फर्स्ट बाय सेकंड, ध्यान दो, तो क्या बन जाएगा ये 1/3 = 1/27 पावर पी, ये बन जाएगा ये। अब इसमें क्या सकते हैं, इसको देखिए 1/3 = 1/3 पावर 3 पी, देखो ऐसे लिख सकते हो इस टाइप से, जहाँ क्या हो जाएगा इसका, हम क्या लिखेंगे 3p = 1, फिर इम्प्लाई दैट p = 1/3। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या पूछा गया इसमें, फिर एक बार देख लो, एक्स इज इंक्रीज 27 टाइम्स, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कितना हो जाएगा, 1/3 ऑर्डर कितना होगा इसका, 1/3 टाइम्स हो जाएगा। एक बार फिर सोल्यूशन देख लो आप, अगर देखना है तो देखिए, ये आपका क्या है, इक्वेशन है, सपोज दैट रेट लॉस का ये है, रेट बिकम 3 टाइम्स व्हेन कंसंट्रेशन बिकम 27 टाइम्स, दोनों को डिवाइड करोगे, हम यहाँ से कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1/3। फाई ऑन डायलूशन लैम्डा एम ऑफ CH3COH इंक्रीजेज ड्रास्टिकली वाइल सोडियम एसीटेट इंक्रीजेज ग्रेजुअली। देखो ऐसा फिर वही बार बार, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पॉइंट कोई है तो क्या भाई, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डायलूशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, CH3COH का हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रांग है, हम कह लेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट एसोसिएट कम्प्लीटली इन टू इट्स आयन आयन डायलूशन नंबर ऑफ आयन्स एज वेल एज इंटर आयनिक डिस्टेंस इंक्रीजेज, हेंस मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ड्रास्टिकली। ऑन द अदर हैंड, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कम्प्लीटली इन टू इट्स आयन आयन डायलूशन, देर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ आयन्स, ओनली इंटर आयनिक डिस्टेंस इंक्रीजेज, हेंस मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ग्रेजुअली, ठीक है। देखो इस टाइप से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, मान लो देखो ये क्या है, दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, मीन से किसके लिए है, एसिडिक एसिड के लिए है, और दूसरा जो है दिस इज फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, किसके लिए, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। तो दिस इज फॉर CH3COONa, और ये किसके लिए बेटे, दिस इज फॉर CH3COOH। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, आर क्या ना नेक्स्ट इक्वेशन का, ये आप लोग देख लो यहाँ पर, एक बार फिर करते हैं उसको सॉल्व करते हैं, देखें कितनी वैल्यू आती है इसकी, mg/mg2+, देखो यहाँ पर इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है
एम जी ऑब्लिक एम जी टू प्लस 0.2 मोलर सॉल्ट ब्रिज, क्या ये सी ए जी प्लस 10^-3 ऑब्लिक ए जी, ए जी प्लस ये है देखो ए जी प्लस कितना है 10^-3 ऑब्लिक ए जी, और हमें दिया हुआ है ई नॉट। देखो हम क्या निकालेंगे, पहले ई नॉट सेल क्या लिखोगे, ये हो जाएगा आपका ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, बोथ पोटेंशियल शुड बी रिडक्शन। ई नॉट राइट का मतलब क्या हो गया भाई, ई नॉट राइट मीन्स क्या आ गया, हम लेके चलेंगे सिल्वर का, सिल्वर का कितना दिया हुआ है 0.8 दिया हुआ है, टिल सिल्वर का कितना गिवन है 0.8, इसका कितना गिवन है -2.37। देखिए 0.8 देखो यहाँ पर क्या 0.8 माइनस -2.37 कितना हो जाएगा, ये 0.8 प्लस 2.37 कितना हो जाएगा अभी बताइए, 8 आ जाएगा यहाँ पर, तो दैट इज़ 3.17 वोल्ट आ गया ये। अब देखो ये हमारा हो गया ई नॉट चला गया, इक्वेशन लिखेंगे वहाँ पर, इक्वेशन क्या बनेगा भाई देखो यहाँ पर एम जी चेंजेस टू एम जी टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हो रहा ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या बच्चे देखो यहाँ पर ए जी प्लस चेंजेस टू ए जी बाय एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन, हम क्या करेंगे इस पूरे को टू से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो उसका ये वैल्यू देखो क्या आ जाएगी यहाँ पर, कुछ वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, देखिए एम जी प्लस टू ए जी प्लस एम जी प्लस टू ए जी प्लस गिब्स एम जी टू प्लस प्लस टू ए जी, एन कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब देखो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि ई नॉट सेल आपका ये आ गया, एन आ गया आपका 2, और बाकी हमारी इक्वेशन हो गई। हम अब क्या लिखेंगे यहाँ पर ई एम एफ क्या लिखोगे बेटे, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग एम जी टू प्लस, क्योंकि सिल्वर हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ क्या लिखोगे एम जी टू प्लस बाई ए जी प्लस का स्क्वायर। देखिए अभी कितना आ गया आपका 3.17 माइनस 0.06 बाई 2, फिर क्या जाएगा लॉग एम जी टू प्लस कितना हमारा 2×10^-1 बाई 10^-3 का स्क्वायर, दैट इज 3.17 माइनस 0.03, यहाँ क्या लिखोगे लॉग 2×10^5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 3.17 0.03 फिर कितना हो जाएगा, लॉग ले लोग यहाँ पर 5.3 आ जाएगा ये। अब दैट इज 3.17 माइनस 0.03, अब मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, देखिए 0.03 है ये 0.03 और ये कितना है 5.3, तो 3×3 = 9 और 3×5 = 15 0.16 ले लिया गया बाई चांस यहाँ पे, तो 0.16 का मतलब कितना बजेगा यहाँ पर 3.01 वोल्ट अराउंड ये वैल्यू बचेगी। दिस इज ईएमएफ ऑफ द सेल, क्लियर है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, अब ये क्वेश्चन था हमारा, अब आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। देखो एक्सप्लेन मेनी ऑफ द ट्रांसन एलिमेंट इज नोन टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, क्वेश्चन क्या कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, रीजन वही आपको जो बार बार अटवाया जा रहा है, पहले 2 पॉइंट लिख लो, स्मॉल साइज हाई चार्ज प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, दूसरा पॉइंट प्रेजेंस ऑफ वन आर मोर एन पे इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल, और तीसरा पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट है दे हैव टेंडेंसी टू ट्रैप स्मॉलर एटम इन टू देयर इंटरस्टिशियल, से आपको सोल्यूशन दिया गया। वैसे दे जनरल इंक्रीज इन डेंसिटी फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर, बेटे देखो डेंसिटी क्या होता है, ध्यान दो डेंसिटी होता है आपका मास बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, तो टाइटेनियम टू कॉपर जाने पर रेडियाई क्या होगी घटेगी, वॉल्यूम घटेगा मास बढ़ेगा, तो डेंसिटी क्या होगी बढ़ेगी, मैथमेटिकली कह सकते हो उसमें कोई दिक्कत है नहीं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर मास बढ़ेगा रेडियाई घटेगी, वी नो दैट डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, अगर रेडियाई घटेगी तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटने का मतलब डेंसिटी का जो उसके इसमें बढ़ेगी। देखो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड, कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड एट कंसंट्रेशन ऑफ 0.1, देखो सी कितना दिया गया यहाँ पर 0.1, और दूसरा कितना दे रखे हैं सी इक्वल टू
0.001 मोलर। अब इसकी कंडक्टिविटी कितनी है, कप्पा कितना है यहाँ पर 5.2, और यहाँ कितना है, यहाँ कप्पा आपका देखो 49.2 यूनिट रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिडिक एसिड एट दीज कंसंट्रेशन, हमें अलग अलग कंसंट्रेशन पर क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमें पता है कि लैम्डा अल्फा क्या होता है, अल्फा इक्वल टू लैम्डा एम गिवन कंसंट्रेशन बाई लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो सबसे पहले हम निकाल लें यहाँ पर लैम्डा एम गिवन कंसंट्रेशन क्या होगा अभी, जो क्या होता है कप्पा इंटू थाउजेंड बाई सी। तो लैम्डा एम गिवन कंसंट्रेशन इक्वल टू कप्पा इंटू थाउजेंड बाई सी, कप्पा इंटू थाउजेंड बाई 0.1। क्लियर है, तो देखो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी सॉरी ये हो जाएगा 520 ठीक है बाई 0.1 आ जाएगा यहाँ पर। और फिर यहाँ से निकाल सकते हो लैम्डा एम सी कितना आ जाएगा यहाँ पर 49.2 इंटू 0.001 बाई कप्पा इंटू थाउजेंड है ना, कप्पा इंटू थाउजेंड बाई सी, कप्पा इंटू थाउजेंड बाई 0.001 ये आ जाएगा। अब देखो उसके बाद पता क्या करना है, ये कैलकुलेशन आप लोग खुद करोगे, सोल्यूशन भी दे रखा है उसके अंदर देख लेना। हमें ये निकालना है, हमने लैम्डा एम से निकाल लिया, और लैम्डा देखो लैम्डा एम नॉट जो होगा, लैम्डा एम नॉट किसका, एसिडिक एसिड का, किसका ये एसिडिक एसिड क्या भाई, देखो यहाँ पर CH3COOH इक्वल टू आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन, आयनिक एसीटेट आयन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन, देखो इस टाइप से। तो दोनों को ऐड करके आप निकालोगे लैम्डा इनफाइनाइट निकालोगे, और दोनों केस में एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लोगे, ये वैल्यू आ जाएगी ठीक है। देखो नेक्स्ट के बाद ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 आयन। देखो अब यहाँ पर ध्यान देना, दे रखे हैं कि पेयरिंग एनर्जी इज मोर देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसका मतलब इसमें पेयरिंग नहीं होगा, इसका मतलब इसमें पेयरिंग, तो यहाँ पे क्या लिखोगे D4 हो गया भाई, ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा D4, यहाँ पर T2G और EG, T2G का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, EG का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ये 2 हो गया, कितने ट्रांस फिल करने में 4 फिल करने हैं, लेकिन पेयरिंग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दे रखें कि डेल्टा O इज लेस देन P, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा आते हैं, क्या लिखोगे 1, 2, 3, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका मतलब राइट कन्फिग्रेशन इज क्या हो जाएगा यहाँ पर T2G3 और EG1 ये आ जाएगा ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है राइट द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ NiCO4। देखो NiCO4 का हमें निकालना है, NiCO4 क्या है, देखिए NiCO4 Ni यहाँ क्या लिखोगे, Ni का कितना होगा कन्फिग्रेशन, Ni का एटॉमिक नंबर होता है 28, क्या लिखोगे यहाँ पर आर्गन, फिर ये क्या हो जाएगा 3D8 और ये 4H2 और ये 4P0। देखो यहाँ पर D8 का मतलब क्या होगा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3D8 हो गया, ये क्या आपका 4H2 4P में एक भी अनपेड नहीं है, और बाकी फिर हम लिखेंगे यहाँ पर क्या NiCO4 यहाँ निकल किस में है 0 स्टेट में है, नो नीड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन बिकॉज निकल किस में है 0 ऑक्सीजन स्टेट के अंदर है। तो लेकिन हाँ यहाँ पर जो CO है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है 1, 2, 3, 4, 5 देखो ये और ये है, तो ये क्या करेगा S ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी पुश करके D में क्या करेगा पेयरिंग करा देगा। 8 थे कितने हो गए देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये थे, बाकी जो 2 हैं वो भी आ जाएंगे किसमें पेयरिंग इन्वॉल्व होंगे इस केस में। अब हमारे पास हमें 4 ऑर्बिटल चाहिए, एक CO यहाँ पर, दूसरा CO यहाँ पर, थर्ड CO यहाँ पर और फोर्थ CO देखो आपका इस टाइप से यहाँ पर आएगा, इनकी क्या हो जाएगी इंटरमिक्सिंग, क्या होगा ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर sp3। ध्यान दो कोई ज़रूरी नहीं है कि पेयरिंग हो रहा है तो उसमें क्या कहते हैं कि अनपेयर्ड हो या ना हो, वो सब डिपेंड करता है कि क्या कहते हैं कि मतलब उसमें अनपेयर्ड है कि नहीं इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद, नॉट नेसेसरी कि अगर पेयरिंग हो रहा है तो आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही है वो। देखो क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा और ये क्या होगा दिस इज डायमैग्नेटिक और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा
मैग्नेटिक मोमेंट विल बी जीरो बिकॉज इट हैज़ जीरो एन पे इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। मैग्नेटिक का फॉर्मूला आपको पता होगा रूट एन एन प्लस टू। अब देखिए इसके बाद रिएक्शन डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन जीरो ऑर्डर, इसका हमें के दे रखे थे, हमें क्या निकालना, व्हाट इज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एन टू एंड एच टू, ये भी क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखिए टू एन एच थ्री गिव्स एन टू प्लस थ्री एच टू, ठीक है, ये जीरो ऑर्डर क्या है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर आर इक्वल टू के और फिर क्या हो जाएगा ये एन एच थ्री पावर जीरो, इसका मतलब आर इक्वल टू के और के हमें कितना दिया गया है 2.5 इंटू 10 पावर आई थिंक माइनस 4 है, हाँ 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 देखिए तो 2.5 10 पावर माइनस 4 आ गया। आर क्या होगा देखो, ये तो हमें दे दिया गया है, आर की वैल्यू क्या होगी भाई, आर होगा माइनस 1/2 फिर डी एन एच थ्री बाई डी टी इक्वल टू डी एन टू बाई डी टी इक्वल टू 1/3 डी एच टू बाई डी टी, ध्यान दो ये पूरी वैल्यू जो है ये आर है, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, ये आर है, ये देखो ये आर, दिस इज आर, ये आर है और आर किसके इक्वल है, इक्वल टू 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 4, हमें क्या निकालना है। अब देखो एक बार हम इसको इसके इक्वल कर देंगे, मीन्स रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन टू इज वाट 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 और फिर यहाँ पर जो लिखा गया देखो इस टाइप से 1/3 रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एच टू बाई डी टी इक्वल टू कितना 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 4, इससे क्या हो जाएगा भाई, इससे हो जाएगा डी एच टू बाई डी टी बिकम्स 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 इंटू 3 दैट इज 7.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 यूनिट, ये वैल्यू आ जाएगी सिंपली। देखो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया प्लेटिनम सरफेस क्या कह रहे हैं, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो हमने उसका क्या लिखा, रेट लॉ लिखा, रेट लॉ लिखने के बाद हम रेट कांस्टेंट से इक्वेट कर दिए, ये वैल्यू आएगी, इसको आप एक बार दो बार फिर देख लेना ध्यान से, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसको बता दीजिए भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स प्लेस 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ये डायरेक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 40% डिकम्पोजिशन फॉर 30% डिकम्पोजिशन फॉर 40 मिनट, मतलब 30% रिमूव होने में, 30% डिकम्पोज होने में, 30% प्रोसीड करने में कितना टाइम लगता है, 40 मिनट, ठीक है। तो हमें निकालना टी हाफ, अब देखो ये फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 100/70, ये मान के चलिए कितना हो जाएगा भाई 2.303 बाई के और ये कितना है 40 मिनट, ये कितना हो जाएगा आपका लॉग 10/7, यहाँ से के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा 2.303 बाई 40 और फिर यहाँ पर लॉग 10 माइनस लॉग 7, ध्यान दो कभी भी जब भी आपको के की वैल्यू कहीं पुट करनी हो तो उस केस में क्या करते हैं, हम वो सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, देखो यहाँ क्या हो जाएगा 2.303 बाई 40 लॉग 10 1 माइनस ये कितना 0.85 कर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 2.303 बाई 40 इंटू 0.15 ये के की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है टी हाफ का, देखिए यहाँ पर टी हाफ जो होता है दिस टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के दैट इज 2.303 इंटू 0.3010 बाई के का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कि हो गया हमारा 40/2.303 इंटू 0.15, हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली है किसकी लॉग की, अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये देखो वैल्यू कैंसिल हो गई यहाँ पर और ये कितना हो जाएगा अराउंड 2 टाइम, यानी कि नियरली जो आएगा हमारा कितना आएगा 80 सेकंड आ जाएगा, ठीक है 80 सेकंड, एक मिनट है देख लो किसमें आ रहा है, ये इतना 40 मिनट है तो 80 मिनट आ जाएगा, कितना आएगा 80 मिनट, दिस इज 80 मिनट, देखो आपको ऐसे कैलकुलेशन करना है, 80 से थोड़ी सी वैल्यू कमी आएगी वैसे, ठीक है, क्योंकि हमने लॉग को राउंड ऑफ कर दिया था। रिएक्शन क्या पूछा गया अभी, 40% इन 30 मिनट मीन्स 30% इन 40 मिनट मीन्स
100 ग्राम लेकर के चल रहे हो तो 40 मिनट के बाद कितना बचेगा, 30 ग्राम बचेगा, तो हमें क्या निकालना है, उसका हाफ लाइफ निकालना है। देखो उसका फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन बेटे पेपर में आना ही आना है, राइट केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश करना है किसमें भाई, फॉलोइंग पे इथाइलेमाइन एंड एनिलीन। देखो इथाइल एमाइन एंड एनिलीन, इथाइलेमाइन क्या भाई, ध्यान दीजिए CH3 CH2 NH2 दोनों क्या देंगे, बोथ विल गिव कार्बिलेमाइन, बोथ विल गिव हिंसबर्ग टेस्ट। लेकिन हम कैसे करेंगे डिस्टिंग, यहाँ पर हम लिखेंगे कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कपलिंग, ये नहीं देगा और ये देगा। कपलिंग आपको पता है, एनिलीन रिएक्ट्स विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड फॉर्म येलो डाई, ये लिख लेना रिएक्शन, पेपर में कई बार लिखा भी गया किसी किसी सेट में, और बाकी सोल्यूशन दिया गया है। देखो तो मैं यहाँ पर लाइव रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं टाइम वेस्ट करूँ आप लोगों का, 2 घंटे का काम मैं 40 मिनट में 45 मिनट करा करके ख़त्म कर रहा हूँ, सो दैट आप बार बार देख सकें, ठीक है। देखिए रिएक्शन, चलो एक बार लिखवाई दे रहा हूँ, रिएक्शन लिखोगे यहाँ क्या बन जाएगा, ये इस टाइप, देखिए यहाँ पर क्या, ये N2 प्लस और Cl माइनस, और यहाँ पर क्या है, दिस इज एनिलीन, एनिलीन है ये NH2। जब रिएक्शन होगा तो उसके इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक होता है H, ये H और Cl क्या निकल जाएगा, ये HCl निकल जाएगा, और जो कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे पैरा अमीनो एजो बेंजीन, या उसको कहते हैं येलो डाई, दिस इज नोन एज येलो डाई, ठीक है। देखो इस टाइप से, अब देखो इसका फिर पूछा गया एनिलीन एंड, देखो एनिलीन है ये, दिस इज एनिलीन, एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन, स्ट्रक्चर बेटे क्लियर होना चाहिए तभी कर पाओगे आप, दिस इज एन मिथाइल एनिलीन, ध्यान दो दिस इज एन मिथाइल एनिलीन है ये, ये क्या भी, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, बहुत सारे रिएक्शन से काबिलेमाइन देगा, ये नहीं देगा। हिंसबर्ग के साथ दोनों टेस्ट देंगे, बट कंपाउंड फॉर्म सॉल्वेंट KOH एंड इनसॉल्वेबल, आप लोग देख लेना करवाया गया उसमें। देखो नेक्स्ट के बाद, अब यहाँ पर बेटे क्या है, सेम सब्सटेंस कैन एक्ट एज बोथ क्रिस्टलाइट्स एंड कोलाइट्स एक्सपेरिमेंट, यस सेम सब्सटेंस कैन एक्ट एज क्रिस्टलाइट्स एंड कोलाइट्स। देखो उस केस में इन केस ऑफ एसोसिएटेड कोलाइट्स, सब्सटेंस एक्ट एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लोअर कंसंट्रेशन बट बिहेव्स एज कोलाइट्स एट हायर कंसंट्रेशन ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ आयंस, उसी को हम बोलते हैं क्या, एसोसिएटेड कोलाइट्स। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया भाई, What will be the charge on AgI colloidal particle when prepared by adding small amount of silver nitrate into AgI? देखो इसमें देखिए किस टाइप का चार्ज आएगा, वैसे फिर शॉर्टकट में समझ लो कि जो चार्ज डिस्पर्सन मीडियम से आता है वही चार्ज होता है यहाँ पर। यहाँ क्या कह रहे हैं भाई, ये कोई KI है, यहाँ पर क्या भाई, ये दिस इज KI, और यहाँ क्या ऐड किया जा रहा है, सिल्वर नाइट्रेट, एक बार देख लो यही है नी 2KI सोल्यूशन, ठीक है। तो KI के अंदर ऐड करेंगे क्या, सिल्वर नाइट्रेट, देखिए सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ऐड किया जा रहा है, तो देखो ये उसमें क्या होगा भाई, पहले फॉर्म होगा AgI, उस AgI के ऊपर क्या एक्युमुलेट होगा आपका I माइनस एंड K प्लस क्या होगा आपका, वो माइग्रेट करेगा, तो दिस इज, हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज फिक्स्ड लेयर, या इसे क्या बोलेंगे, दिस इज निगेटिव कोलाइड्स, दिस इज माइग्रेटिंग लेयर, MIGRAT माइग्रेटिंग लेयर। तो देखो अब इसका मतलब क्या है कि वेन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज मिक्सड विद KI मीन्स KI डिस्पर्सिव मीडियम AgNO3 डिस्पर्ड फेज नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, ये AgI फॉर्म होगा इस टाइप से, और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हम उसी को बोलते हैं क्या, जेटा पोटेंशियल। डिफाइन कैसे करोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर ऑफ अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड जेटा पोटेंशियल। देखो ये क्वेश्चन है, हमें स्ट्रक्चर ड्रा करना, पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, भाई देखो ऐसा है कि बेंजल्डिहाइड हो गया, ये सिंपल क्वेश्चन है, बेंजल्डिहाइड हो गया ये, और ये क्या हो गया पैरा पर क्या, ये मिथाइल। नेक्स्ट है 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन 1 2 3 4, और पेंट है ये, पेंट 2 ओन 1 2 3 इन, और क्या 4 मिथाइल, देखिए 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये H3 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर H आ जाएगा, एक आ जाएगा ये H3, तो ये दोनों स्ट्रक्चर हो गए इसके, आप लोग देख लेना इसको। देखो नेक्स्ट इसके बाद, फिर डिस्टिंग्विश करने के लिए एसीटाइल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनोन एंड प्रोपेनॉल, चलो आइए देखते हैं यहाँ पर एसीटाइल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड क्या है भाई। एसीटाइल्डिहाइड क्या है, CH3CHO, देखो एसीटाइल्डिहाइड इज CH3C double bond OH, बेंजल्डिहाइड क्या है भाई, देखो दिस इज बेंजल्डिहाइड, ध्यान दो दोनों एल्डिहाइड हैं, तो दोनों टॉलरेंस टेस्ट देंगे।
देखो अगर हम करेंगे डिस्टिंग्विश के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, यहाँ पर हम ऐसे देखो टेबल बनाओ पूरा प्रॉपरली, क्या लिखो यहाँ पर टेस्ट, यहाँ पर कौन सा बेटे टॉलेंस टेस्ट, कौन सा टॉलेंस, दोनों देंगे ठीक है। तो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते तो हटा दिए टॉलेंस टेस्ट, हम करेंगे फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन ये देगा और ये नहीं देगा। और सबसे बेस्ट टेस्ट आप लिखोगे यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट, कौन सा टेस्ट, आयोडो फॉर्म टेस्ट, ये देगा और ये नहीं देगा। देखो स्टेप से ठीक है, आयोडो फॉर्म टेस्ट होता है क्या, कैसे लिखोगे आयोडो फॉर्म टेस्ट आपको बताया गया, फिर भी बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या ये CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस आई टू प्लस एन ए ओ एच, क्या बन जाएगा भाई CHI3 प्लस एच सी ओ ओ एन ए प्लस 3 NaI प्लस 3 H2O। देखो इस टाइप से येलो कलर कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा येलो कलर कंपाउंड। देखिए ये जो होगा आपका दिस इज येलो कलर कंपाउंड आयोडोफॉर्म, क्या ये आयोडोफॉर्म येलो कलर कंपाउंड है ठीक है। देखो नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद आप, तो डिस्टिंग्विश में आपको देखो डिस्टिंग्विश में वही टेस्ट देना है जिसमें कलर हो, टेस्ट हो, स्मेल हो, सॉल्विलिटी हो, तो 4-5 टेस्ट हैं वही डिस्टिंग्विश में, याद कर लीजिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड के अंदर टॉलेंस, फेलिंग, 2,4-DNP, आयोडोफॉर्म, 4 टेस्ट सिंपल, इसी में सारा हो जाएगा। आपको बताया गया कि कौन सा कंपाउंड किस टाइप का टेस्ट देगा। अब अगर आप आओगे एमाइन वाले में काबिल एमाइन, हिंसबर्ग टेस्ट और कपरिंग रिएक्शन, टोटल 6-7 रिएक्शन हैं जिसमें कम से कम आपको 2 नंबर मिल जाएगा आराम से ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, फिर देखिए प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, देखो फिर वही कहानी आ गई। प्रोपेनल क्या भाई CH3 CH2 CHO, प्रोपेनल है, प्रोपेनोन क्या है यहाँ पर CH3 CO और ये CH3। आप चाहो तो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हो, अदरवाइज टॉलेंस टेस्ट। देखिए यहाँ पर टॉलेंस टेस्ट यस और ये नो, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट ये भी यस और नो, आयोडोफॉर्म ये नहीं देगा और ये, तो आयोडोफॉर्म हमने लिखा था आपको, फेलिंग सोल्यूशन टॉलेंस लिख के दिखा दे रहा हूँ। देखो ये कंपाउंड है, मान लो यहाँ पर क्या है एल्डिहाइड जो है, देखिए CH3 CH2 CHO, टॉलेंस में क्या लिखते हैं हम यहाँ पर लिखते हैं देखिए इस टाइप से 2 AG NH3 ट्वाइस प्लस और ये 3 हमारा टॉलेंस एजेंट है, क्या करेगा ये चेंज कर देगा CH3 CH2 CO माइनस प्लस 2 AG प्लस 4 यहाँ बनेगा सिल्वर मिरर। हम अगर मान लो फेलिंग सोल्यूशन कराते हैं क्या Fe2 एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ठीक है, क्या होगा यहाँ पर Cu2 प्लस प्लस 5 OH माइनस, यहाँ पर यहाँ बन जाएगा क्या Cu2O का रेड कलर कंपाउंड और करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा ठीक है। तो दिस इज टॉलेंस रेजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, एनिलीन डजेंट अंडरगो फीडलक्राफ्ट रिएक्शन, एनिलीन डजेंट अंडरगो फीडलक्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज इन फीडलक्राफ्ट रिएक्शन AlCl3 यूज्ड इज लुईस एसिड विच गेट बॉन्डेड विद एनिलीन एंड इन्वॉल्व इन सॉल्ट फॉर्मेशन विच एक्ट एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर फर्दर रिएक्शन। देखिए तो आप रिएक्शन लिख सकते हो यहाँ पर इस टाइप से, ए पार्ट का रिएक्शन क्या लिखोगे, लैंग्वेज लिखने के बाद वही कि एनिलीन डजेंट अंडरगोज फीडलक्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज लोन पेयर प्रेजेंट ऑन एनिलीन इज एक्सेप्टेड बाई लुईस एसिड AlCl3 विच गेट बॉन्डेड विद एनिलीन एंड इन्वॉल्व इन सॉल्ट फॉर्मेशन विच एक्ट एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर फर्दर रिएक्शन। देखो बी पॉइंट क्या बेटे यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर पूछा गया है कि दिस इज मोर बेसिक, क्या भाई देखिए यहाँ पर CH3 NHCH3 इज मोर बेसिक देन NCH3 CH3 CH3। देखो वैसे क्या होता है लोन पेयर की इंटेंसिटी यहाँ पर क्या है, यहाँ है, बट इट इज मोर बेसिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया भाई ये, दिस इज मोर बेसिक रीजन। देखो उसके दो रीजन लिखोगे, एक तो हो गया स्टेरिक हिंड्रेंस सॉल्वेशन इफेक्ट, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एंड सॉल्वेशन इफेक्ट 2° एमाइन इज मोर बेसिक देन 3° इन एक्वस सोल्यूशन ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए अब आप,
यहाँ पर आओ भाई, फॉर द कम्प्लेक्स एफिशियन 6 पर माइनस 3, ये हमें पूरा करना है, हम करेंगे अभी इसको। पहले डिफाइन करते हैं, देखो लाइव फिलिक सॉल्व क्या पॉइंट है भाई, लाइव फिलिक सॉल्व क्या भाई, सॉल्वेंट लविंग, रिवर्सिबल, स्टेबल, कैन नॉट बी कोएगुलेटेड, गम, स्टार्च, जेबर जिलेटिन एग्जांपल हो गए। बिल्कुल सिंपल यार, कुछ नहीं करना है, यही नोट्स में रटवाया गया आपको। क्या क्या भाई एक बार फिर समझ लो, फिर सुन लिया, लाइव फिलिक सॉल्व क्या है, डिस्पर्सन मीडियम अट्रैक्टेंट मीन्स ग्रेट एफिनिटी विद डिस्पर्सन मीडियम, दे आर रिवर्सिबल, दे आर स्टेबल, दे कैन नॉट बी कोएगुलेटेड, ठीक है। और फिर उसके बाद दे कैन बी प्रिपेयर डायरेक्टली बाय मिक्सिंग डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्ट फेज, एग्जांपल है गम, स्टार्च, रबर और जेटिंग। जेटा पोटेंशियल में अभी आप उसमें डिस्कस भी किया है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर ऑफ अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड जेटा पोटेंशियल। देखो आपको एक बार फिर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर जो हमने अभी किया था कि जेटा पोटेंशियल डेवलप कहाँ होता है, देखिए इस टाइप से, देखिए यहाँ पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ जो डेवलप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जेटा पोटेंशियल, दिस इज जेटा पोटेंशियल, सिंपल, ठीक है, क्लियर। देखो नेक्स्ट इसके बाद एसोसिएटेड कोलाइड से भी डिस्क्राइब किया गया अभी कि कोलाइड्स विच इज फॉर्म बाय एग्रीगेशन ऑफ आयंस, कोलाइड्स विच इज फॉर्म बाय एग्रीगेशन ऑफ आयंस, कुछ और मॉडिफाई करके कह सकते हो कि सब्सटेंस विच एक्ट एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लोअर कंसंट्रेशन बट बिहेव्स एज कोलाइड्स एट हायर कंसंट्रेशन ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ आयंस, उसको हम बोलते हैं एसोसिएट कोलाइड्स, दे आर हेल्ड बाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट भाई, इसके बाद देखिए एफिशियंसिस पर माइनस थ्री, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें, ये मैं आपको हर वीडियो में एक बार बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में किसी न किसी फॉर्म में छपा हुआ है, ध्यान रखिए। एफिशियंसिस पर माइनस थ्री देखिए कैसे लिखोगे, यहाँ पर एफिशियंसिस पर माइनस थ्री, यहाँ पर लिखोगे किसका कॉन्फ़िगरेशन, पहले आयरन का, क्या लिखोगे यहाँ पर, आर्गन 3D 4S 4P 26, 3D का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ये 1 2 3 4 5, ये S हो गया और ये क्या होगा आपका, दिस इज P, ठीक है, 3D Fe का। देखो यहाँ पर क्या लिखोगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 3D 6 हो गया और 4S2 हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखोगे भाई, Fe किस में है, प्लस 3 में है, प्लस 3 का मतलब क्या, हमें 3 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, रिमूव करना है, 2 जाएगा S से और एक P का डी का लास्ट, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 2 यहाँ से चला गया। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो CN इज स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट्स विच इन्वॉल्व इन पेयरिंग ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अब जो 5 अनपेयर थे उसमें क्या हो जाएंगे, उसके अंदर पेयरिंग हो जाएगा और बाकी ऑर्बिटल हमारे खाली हो जाएंगे उसके, इसमें देखिए इस टाइप से 5 हैं तो क्या 1 2 3 4 5, अब देखो एक सी एन आपका यहाँ इसके साथ बाइंड होगा, दूसरा सी एन यहाँ बाइंड होगा, थर्ड सी एन बाइंड हियर, इसी टाइप से फोर्थ सी एन, फिफ्थ सी एन एंड फाइनली सिक्स सी एन यहाँ पर देखो बाइंड होगा और इनकी क्या हो जाएगी, इंटरमिक्सिंग। अब देखो क्या क्या फीचर आ गया भाई, आ गया क्या, D2SP3, और क्या, अगर D2SP3 है तो ऑक्टा हेड्रल, एक अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड है तो DD ट्रांजिशन से क्या होगा, कलर्ड, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा भाई, √NN+2, 1 1+2, दैट इज √3 बोहर मैग्नेटॉन एंड दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इन्हीं फीचर में से एक पूछा जाएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप लोग देख लीजिए, अगर डाउट होगा उसका व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। देखो नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद, अब भाई आ गया कॉपर फर्स्ट इज नॉट स्टेबल इन इक्वल सोल्यूशन, अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज इट अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेशन, क्या लिखोगे यहाँ पर, देखो इस टाइप से Cu plus changes to Cu2 plus Cu, ये बैलेंस कर लोगे, Cu plus इज नॉट नोन या Cu plus इज अनस्टेबल इन इक्वल सोल्यूशन बिकॉज इट अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेशन। बी पॉइंट देखो भाई, D4 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr2+ इज रिड्यूसिंग, बट एम देखो ध्यान दो, Cr कितना भाई, क्या होता है 3D5 और 4S1, जब लिखोगे यहाँ पर क्या Cr2+ Cr2, तो Cr2 क्या हो जाएगा भाई, यह हो जाएगा 3D4। अब उसी टाइप जब यहाँ लिखोगे MN, MN क्या होता है, MN होता है 3D5
4s1, यहाँ पर लिखोगे Mn3+, ये क्या बन जाएगा 3d4। ध्यान दो, Cr2 इज रिड्यूसिंग। देखो इसकी टेंडेंसी 3d4 की टेंडेंसी क्या होती है, मोस्ट स्टेबल 3d5 में चेंज होने की, मीन्स इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, हेंस एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान दो, इन सी आर टू प्लस 3d4 हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू चेंज इन टू 3d5। 3d5 क्या होता है, मोस्ट स्टेबल हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल कन्फिग्रेशन, दैट्स वाई इट अंडरगो ऑक्सीडेशन एक्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन यहाँ पर जो Mn3+ है ये क्या होता है आपका, देखो इसमें होता है T2G3 और Ag1। तो Ag इसमें क्या होगा भाई, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की होगी, यानी कि इट टेंडेंसी टू चेंज इनटू 3D T2G3 अंडरगो रिडक्शन इनसेक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी गुड क्वेश्चन ये भी। देखो सी पार्ट क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स इन जनरल एक्ट एज कैटलिस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डी ब्लॉक के फीचर से रिलेटेड कम से कम एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। एक्ट एज कैटलिस्ट क्यों, इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया टू रिएक्टेंट फॉर केमिकल रिएक्शन। दूसरा रीजन भाई क्या, यहाँ पे लिखोगे इट्स अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। देखो नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद, अभी हमें कंप्लीट करना है। देखो ये क्या है, CO-CHO है ये, तो किस में चेंज हो जाएगा, ये टॉलेंस एजेंट क्या करेगा, इसको कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज कर देगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो उसी टाइप से यहाँ पर NaCN है, ये क्या करेगा, जो HCN है CHO के साथ ये क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा ये, और बॉन्ड का फॉर्म कैसे करेगा, CH, और यहाँ क्या बन जाएगा ये CN और OH, CH, CN और OH। देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एल्डॉल होने जा रहा है, जिससे बेंजल्डिहाइड C11O और ये H बेंजल्डिहाइड है, ये किससे संकराया जा रहा है, यहाँ पर HCH प्रोपेनल के साथ, ये क्या है प्रोपेनल, जब लिखोगे एल्डॉल कंडीशन क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो CH फिर CH और ये CHO और ये क्या हो गया CH3, यहाँ क्या हो गया OH, ठीक है। और ये क्या आपका, देखो बेंजीन है ये, जब इसको हम हीट करेंगे, हीट करोगे यहाँ पर तो इसका OH और अल्फा निकल जाएगा, यहाँ पर CH(C) क्या बन गया ये CHO, और यहाँ क्या ये तो CH3, और ये बन जाएगा आपका बेंजीन सिंपली। तो दिस इज एल्डॉल कंडेंसेशन, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, फिर वही कहानी, ये क्या है हो जो यहाँ क्या हो रहा है, ओजोनोलिसिस हो रहा है। मेरे ख्याल से कई बार क्लास में डिस्कस किया गया है, 2-4 क्वेश्चन तो मैं जो कि मेरे ख्याल से मैं हर क्लास में देता था आप लोगों को, ठीक है। देखिए यहाँ क्या बनेगा भाई, इसका कराया जा रहा है ओजोनोलिसिस, तो देखो इस टाइप से दो साइक्लोहेक्सेन आकर के यहाँ पे क्या होगा, जुड़ेगा, साइक्लोहेक्सालाइडिन बन जाएगा ये हमारा। देखो KMnO4 KOH स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इट कन्वर्ट बेंजाइल एल्कोहल टू बेंजोइक एसिड डायरेक्टली, इस टाइप से चेंज कर देगा ये, क्योंकि KMnO4 के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। देखो यहाँ पर ये हमारा क्या बनेगा, पहले हम क्या यूज करेंगे इस पर यूज करेंगे B2H6 और H2O2 बनाएंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। उससे क्या बनेगा प्राइमरी एल्कोहल, फिर बाद में क्या डालेंगे यहाँ पर PCC। देखो नेक्स्ट इसके बाद है, अब ये ग्राफ दिया गया, आपको बताया गया कि अगर ग्राफ के किसी भी एक्सिस पर लॉग है तो क्या होता है, वो यहाँ क्या पूछा, प्रीडिक्ट ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का होता है। ध्यान देना, अगर ग्राफ के किसी भी एक्सिस पर लॉग है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है ही दो, एक फर्स्ट ऑर्डर एक जीरो ऑर्डर, तो ग्राफ के किसी भी एक्सिस पर लॉग है या एलएन है तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा। फॉर स्लोप एलएन दिया गया है तो स्लोप इसका होगा माइनस के, अगर गिवन होता लॉग तो कितना होता उसका -K/2.303। नेक्स्ट राइट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट यूनिट क्या होगी यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर की क्या होती है, पर सेकेंड या पर मिनट जो भी है। तो देखो तीन नंबर का अगर क्वेश्चन होगा तो इसके अंदर 3 वर्ड ही लिखनी है आपको। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेन प्रोडक्ट व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद फॉलोइंग। देखो भाई एनिलीन है ये, एनिलीन आप कई बार की होगी एनिलीन, देखो यहाँ पर एनिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, ए पॉइंट है, ब्रोमीन वाटर सरिएक्शन क्या करेगा ये Br2-H2O, क्या बन जाएगा ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन आ जाएगा। बी पार्ट आपका है, देखो ये NH2 है, हम करेक्शन किससे करा रहे हैं, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जो, और अक्सर आप लोगों को कई बार से पूछा भी जाता है ये,
मैं भी कई बार डिस्कस किया हूँ, यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एसीटैनिलाइड NHCO, दिस इज एसीटैनिलाइड। और फिर जो पूछा गया थर्ड पार्ट, जो पूछा गया देखिए थर्ड पार्ट ने बिल्कुल वो सेकेंड पार्ट ही है, ये सी पार्ट है। बी पार्ट देखो यहाँ पर क्या है, एनिलीन, एनिलीन किससे संकर रहा है यहाँ पर, HCl के साथ, HCl एसिड एनिलीन बेस है, ये सॉल्ट बनेगा, एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। ये देखो इसके साथ दोनों चिपक जाएंगे आपस में, ठीक है, देखो इस टाइप से। नहीं देखो इसके बाद अब यहाँ बेटे क्या पूछा गया, स्टेट कॉल राउसला ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, ठीक है। तो सिंपल क्या भाई, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीटेड ईच आयन मेक्स डिफरेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी इरिस्पेक्टिव टू द नेचर ऑफ आयन। ये पहला स्टेटमेंट आपको लिखवाया गया है। दूसरा कह सकते हो कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी, ये कह सकते हो, ठीक है। और देखो यहाँ पूछा गया ये भी कि राइट एक्सप्रेशन, हमारे दो नंबर का क्वेश्चन, ये भी पूछा गया क्या कि राइट एक्सप्रेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, राइट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड, कैसे लिखोगे भी, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ क्या CH3COOH इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ, यहाँ क्या हो जाएगा ये एच प्लस, दिस इज लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या पूछा गया, एसिडिक एसिड का कैलकुलेट करना है हमें, हमें किसका किसका दिया गया भाई, यहाँ दो हमें दिया गया एच प्लस का प्लस सी एल माइनस का, हमें दिया गया यहाँ पर किसका एन ए प्लस का प्लस सी एल माइनस का, हमें यहाँ किसका दिया गया भाई सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस का और किसका एन ए प्लस का, हमें चाहिए किसका, देखिए लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ एसिडिक एसिड सी एच थ्री सी ओ ओ एच इसका चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, दिस इज लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ, अब देखो सी एच थ्री सी ओ हमें यहाँ से मिल जाएगा, मीन्स क्या लिखोगे यहाँ पर सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए प्लस, हमें एच चाहिए, एच हमें यहाँ से मिल जाएगा कि लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ एच सी एल। देखो जब दोनों को ऐड करोगे, ध्यान दीजिए, तो सी एच थ्री सी ओ ओ एच तो मिल जाएगा, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है एन ए सी एल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ, यहाँ क्या लिख दोगे एन ए सी एल। वैल्यू कैसे लिखोगे यहाँ पर, देखिए वैल्यू में ये कितना है 91 प्लस 426 माइनस 126, ये वैल्यू आ जाएगी। तो भाई ऐसा कि कितना जाएगा, दिस इट बिकम एग्जैक्टली 391 साइमन सी एम स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो देखो ये सारे क्वेश्चन हमारे हो गए, मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये कोई लाइव क्लास नहीं है जिसमें हम बैठ करके बकवास कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं बिल्कुल जो कहते हैं कि इनर्जेटिकली सॉल्व कर दिया हूँ, इसको आप लोग एक बार दो बार देख लो, डाउट हो उसको आप डिस्कस करते हो। हाँ सब्सक्राइब और रिफर जरूर करो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।